हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई नीता बिश्नोई। आज देखिए, ये मैं वॉन्डरिंग जू का प्लांट दिखा रही हूँ आपको हैंगिंग पॉट्स में, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत खूबसूरत। आप मेरे कहने पे एक बार अपने घर में ला के लगा दीजिए, फिर ये आपके गार्डन में परमानेंट रहेगा। और इतना बढ़ता है, इतना गर्मियों में बढ़ जाता है कि आपको कटिंग काट काट के एक्सपेरिमेंट बेशुमार कर सकते हैं। मैं भी खूब करती हूँ। अब हम लोग इसकी केयर देखेंगे शुरू से। तो केयर में मैं कई पॉइंट डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो इसका डिस्कस करेंगे कि हम लोग इसकी पॉटिंग सॉइल कैसे लेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट लेंगे कि इसको लाइट कैसी चाहिए, फिर इसके बाद में देखेंगे इसको वाटर कैसा चाहिए, और इसके बाद में देखेंगे इन्फेस्टेशन होता है कि नहीं होता है इसमें, और आखिरी में देखेंगे प्रोपोगेशन का तरीके कौन से हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि इसको किस किस तरीके से आप लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद में केयर शुरू करेंगे। देखिए, एक तो ये हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं आप, दोनों हैंगिंग पॉट में, और नेक्स्ट ये गमले के साथ एज मल्च यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने यूज किया हुआ है, सोरा का प्लांट है, बड़ा सा ऊपर प्लांट जाता है, नीचे गमले में ये लगा हुआ है। एक और मल्च की तरह दिखाती हूँ आपको, और मल्च में मैं दिखाऊंगी कि बताऊंगी कि ये मैंडरिन का प्लांट है, और इसमें ये नीचे से ये मल्च टाइप यूज हुआ हुआ है, और इसको मैंने खूब काट काट के प्रोपोगेट भी किया है। अब चलिए केयर शुरू करते हैं। अच्छा, एक और तरीका मैं भूल गई, ये देखिए, ये इसको आप पानी में भी लगा सकते हैं। ये पानी में लगा के मैंने ये अंदर रखा हुआ है, अभी अभी अंदर से बाहर लेके आई हूँ। और एक आप लगा सकते हैं इसमें, ये मैंने इसका लिंक डाल दूंगी, इसको मैंने बिना उसके प्रोपोगेट किया हुआ है, ड्रेनेज होल के कप में, सिंपल कप में, टूटा कप है ये। और एक ये टेकअवे कंटेनर्स में आप लगा सकते हैं। तो चलिए केयर, अब हम लोग केयर शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसकी पॉटिंग सॉइल। इसकी पॉटिंग सॉइल देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हर तरीके के कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। तो बेस्ट तरीका है, जैसे ये अगर आप हैंगिंग पॉट में बना रहे हैं, तो हैंगिंग पॉट का, हैंगिंग बास्केट का क्राइटेरिया होता है कि इसको लाइट रहना चाहिए। तो इसमें 50% आप कोकोपीट ले सकते हैं, और बाकी जो बचा 50% उसमें आधा वर्मी कंपोस्ट और आधा गार्डन सॉइल ले सकते हैं। आप इसको वेरी भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और आपके पास जो मैन्योर है वो डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप घर का कंपोस्ट डाल दीजिए, और नीम खली डाल दीजिए, और बोन मील डाल दीजिए, वो आप अपने आप वेरी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जैसे ये बनाते हैं या ये बनाते हैं, इसमें इतना ज़्यादा आपको कोकोपीट गमलों में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी जो मैंने बनाया है, ये वाला भी बनाया है, इसमें इतना सारा कोकोपीट नहीं है। इसमें तो वन फोर्थ जैसे गार्डन में डालते हैं वैसा है। तो इसके मतलब ये किसी भी टाइप के गार्डन वो पॉटिंग मिक्स में सर्वाइव कर जाए। नेक्स्ट लेते हैं लाइट। इसके लिए लाइट बहुत क्रूशल है। ये देखिए, आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये मैंने थोड़ी ब्राइट लाइट में रखा हुआ है, और ये मैंने एकदम पेड़ के शेड के नीचे रखा हुआ है। फर्क देख रहे हैं आप? इसकी देखिए, इसकी जो ये मार्किंग्स हैं कितने अच्छे से नजर आ रही हैं। कलर्स देखिए, दोनों एक ही प्लांट है, एक ही इसे कटिंग में। तो लाइट आप सर्वाइव दोनों जगह कर जाता है, मगर ये फर्क देखिए लाइट का। और बहुत तेज धूप में रखेंगे तो इसके कॉर्नर्स जल जाते हैं, वो नहीं करना है। तो ये लाइट के बारे में हो गया। इनफैक्ट ये घर के अंदर सर्वाइव कर रहा है, ये मैंने इंडोर अंदर रखा हुआ है, देखिए कितना ग्रीन हुआ हुआ है। अब थर्ड लेते हैं हम लोग इसकी वाटरिंग कैसे करेंगे। देखिए, इसमें वाटर करना, ये देखिए, ये देख रहे हैं कितना ड्राई है। इसमें वाटर तभी करना है जब टॉप लेयर एकदम ड्राई हो जाए। हालांकि ये पानी में सर्वाइव कर रहा है, इसमें रूटिंग दिखाती हूँ, पानी में खूब अच्छी रूटिंग हो गई होगी। देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हो गई है, ये देखिए कितनी बढ़िया रूटिंग हो गई, ये पानी में रूट किया है। तो रूटिंग इसमें पानी में हो जाती है, मगर अगर आप कंटेनर में रखते हैं बहुत पानी में, तो ये गल जाता है,
पानी तभी दीजिए जब टॉप सॉइल ड्राई हो, और इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वॉटरिंग का हो गया। नेक्स्ट है इसका हम लोग इन्फेस्टेशन क्या होती है। इसमें इन्फेस्टेशन बहुत कम होती है, इनफैक्ट ना के बराबर होती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लांट है, और अगर आपको कभी कुछ दिखे तो आप सिंपल वाटर, नीम ऑयल, और नीम ऑयल नहीं है तो सिंपल पानी एंड सोप सॉल्यूशन से इसको वॉश आउट कर सकते हैं। अब एक और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं। इसका प्रोपोगेशन देखिए, आप कहीं से भी इतनी छोटी टहनी भी लेके आ जाएंगे और लगा देंगे तो आपका ये प्रोपोगेट हो जाएगा। इनफैक्ट ये वाला मैंने लगाया हुआ नहीं है, हालांकि मल्च की तरह यूज़ करने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ये ऊपर से टहनी गिर गई थी और तब से ये देखिए, ये वाला देखिए, इनफैक्ट ये वाला देखिए कितना ईजीली हो रहा है। ये छोटा सा कंटेनर है, इतना छोटा है, तो इन्हीं इसी में से गिरी थी। इनफैक्ट छोटा सा पीस गिर गया था, अपने आप प्रोपोगेट करने लग गया। तो ये बहुत इजी इसका प्रोपोगेशन है। आप इसको इनफैक्ट पानी में ऐसे ग्रो करके, पानी में ग्रो करके ये जब रूट्स आ जाए तब भी लगा सकते हैं, और उसके पहले भी लगा सकते हैं। और ये देख रहे हैं जितनी नोड्स है ना, जितनी नोड है सबसे रूटिंग हो जाती है इसकी। तो ये इसका प्रोपोगेशन का तरीका है। तो ये प्रोपोगेट करने में भी बहुत ईजी है, और रखने में भी, केयर करने में भी बहुत इजी है। और ये बेस्ट लगता कब है, मेरे को ये बेस्ट हैंगिंग पॉट्स में लगता है, क्योंकि ये इसका ट्रेलिंग, ये कैस्केड करता है नीचे, ट्रेल करता है नीचे ये प्लांट। तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप ज़रूर इसको अपने गार्डन में जगह दीजिए। इसकी केयर भी बहुत बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आपको ये केयर वॉन्डरिंग जू की अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर ये वीडियो लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।